पूछना चाह रहे हैं मित्रों, ये इस भाग को धड़ जो हमारा शरीर है इसे टॉर्सो बोलते हैं, और सेहत अगर सही रहेगी तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एजिलिटी मिलेगी। तो इसके लिए हमें इस तरह से खड़े हो जाना है, अपने दोनों पैर के बीच हिप विड्थ को खड़ा होकर, और यहाँ आगे की ओर आप झुकिए, और ये ऐसे सर्कल बनाइए, ये इस तरह से, ये दोनों हाथ फिक्स रहे, दोनों घुटना लॉक रहे, दोनों हाथ कमर पर रहे, ये देखिए इस तरह से, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम क्लॉकवाइज में भी करेंगे, यहां आ गए और यह टॉर्सो रोटेशन बड़ा ही सिंपल है मित्रों, इसे आप आसानी से करके अपने स्पाइन को, स्पाइनल वर्टीब्री को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इन 33 वर्टीब्री के बीच जो डिस्क होते हैं, जो कुशनिंग देते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं मित्रों। इस तरह से आप 8 टाइम्स क्लॉकवाइज और 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, कमर पर रहे, ये देखिए इस तरह से, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम क्लॉकवाइज में भी करेंगे, यहां आ गए और यह टॉर्सो रोटेशन बड़ा ही सिंपल है मित्रों, इसे आप आसानी से करके अपने स्पाइन को, स्पाइनल वर्टीब्री को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इन 33 वर्टीब्री के बीच जो डिस्क होते हैं, जो कुशनिंग देते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं मित्रों। इस तरह से आप 8 टाइम्स क्लॉकवाइज और 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये है हमारे टॉर्सो रोटेशन। हम देखने जा रहे हैं कास मसल, इसे कर रहे हैं लोअर बॉडी के खेल कर रहे हैं, और इसके साथ इसे अपर बॉडी को लोअर बॉडी के खेल, तो हमारे डायर बॉडी अपर भाई हम भी हमारे साथ, तो हमारा डायर बॉडी के लिए भाई हम हमारे साथ कीजिए, जो हम तड़ा फॉरवर्ड हाफ रेज ऐसे रेज कर लिए हम, यहाँ दोनों जो हम तड़ा के पोजिशन को देखिए ऐसे रेज, यहाँ क्लोज रखिए आप दोनों एक पैर के पोजिशन को देखिए, 2 इंच के गैप, यहाँ आप क्लोज रखिए, यहाँ 1 इंच या मैक्सिमम 2 इंच के गैप है, और यहाँ रेज की तरफ से, और फिर डाउन होते हुए काफ को रेज कीजिए, और फिर डाउन होते हुए ये नीचे काफ को रेज कीजिए, आप कोशिश कीजिए वहाँ कुछ देर बने रहने के लिए, थर्ड को कोशिश कीजिए वहाँ को लीजिए देर बने रहने के, काफ रेज थर्ड को लीजिए डाउन, काफ रेज हाथ को भी ऊपर ले जाइए, यहाँ जिससे आपके डाउन आर्म के अपर आर्म को ऊपर ले जाइए, एक्सरसाइज हो जाएंगे आप देर तक बने रहिए, आर्म के अपर आर्म के फिर एक्सरसाइज हो जाएंगे कुछ देर तक बने रहिए, और फिर ये काफ रेज हमारे पैर में दर्द हो जाते हैं, काफ रेज हमारे अकड़न जकड़न पैर में दर्द हो जाते हैं, पैदल चलते अभी कभी और दर्द जकड़न हो जाते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं, काफ का और दर्द महसूस होना मसल के लिए फ्लेक्सिबल बनना, काफ का जरूरी होना मसल का मित्रों, हमारे चलने की ताकत जरूरी होती है काफ से, हमारे चलने की ताकत फुट को और काफ से आती है, जो हमारे पैर मसल है मसल को ऑपरेट कराती है, हम यही मसल है मसल समुद्र से, यह हम यहाँ तरह से, ये यहाँ स्टार्टिंग, और ये स्टार्टिंग पैर में दर्द हो जाती है कभी कभी, अकड़न जकड़न पैर में दर्द हो जाए, पैदल चलते कभी कभी और दर्द हो जाते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते काफ का और दर्द मसल का मसल के लिए फ्लेक्सिबल बनना, काफ का जरूरी होना मसल का मित्रों, हमारे चलने की ताकत जरूरी होती काफ से, हमारे चलने की ताकत फुट को ही
ऑपरेट कराती है, जो हमारे पैर मसल है, मसल समूह ऑपरेट कराती है, हम यही मसल है, मसल समूह है। ये कटिंग और ये कटिंग इस तरह से आप, और ये इस तरह से आप कीजिए। अगर आप नाम समझ पा रहे मित्रों तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो हमें ये अगर आप नाम समझ पा रहे मित्रों तो आप आसानी से कर सकते हैं, जिस हमें ये स्टार्टर और बताए प्रारंभिक अंतिम भी यहाँ रखेंगे, चेस्ट को और कमर पर हाथ यहाँ रख लेंगे, और जैसा कि बोल रहा हूँ कमर हाथ रख लिए, और जैसा कि बोल रहा हूँ यहाँ होंगे, हम इसे रेज करेंगे बगैर डिस्टर्ब, हम इसे यहाँ रेज करेंगे बगैर अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ देखिए 16 टाइम्स आपको सीधा रखना, वन यहाँ यहाँ टू 16 टाइम्स, वन टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स, धीरे धीरे आप फाइव झटका नहीं देना, सिक्स सेवन धीरे धीरे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, झटका नहीं देना, आप हाथ को यहाँ भी ऐसे रख सकते, नाइन आप हाथ को यहाँ भी ऐसे रख सकते, नाइन वेन आप यहाँ भी रख लीजिए, ट्वेल्व इलेवन यहाँ कोशिश कीजिए, आप यहाँ भी रख लीजिए, ट्वेल्व फोर्टीन यहाँ कोशिश कीजिए, थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन, तो इस तरह से हमने देखा शायद बिल्डिंग, तो इस तरह से हमने देखा शायद बिल्डिंग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे रेज करेंगे बगैर डिस्टर्ब, हम इसे यहाँ रेज करेंगे बगैर अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ यहाँ देखिए 16 टाइम्स आपको सीधा रखना, वन यहाँ टू 16 टाइम्स, वन टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स, धीरे धीरे आप फाइव झटका नहीं देंगे, सिक्स सेवन धीरे धीरे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, झटका नहीं देंगे, आप हाथ को यहाँ भी ऐसे रख सकते, नाइन आप हाथ को यहाँ भी ऐसे रख सकते, नाइन वेन टेन इलेवन यहाँ कोशिश कीजिए, यहाँ थर्टीन कीजिए, ट्वेल्व फोर्टीन यहाँ कोशिश कीजिए, थर्टीन फोर्टीन राइट, तो राइट लेग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे रेज करेंगे बगैर लेग यहाँ इन्वॉल्व होंगे, हम इसे यहाँ रेज करेंगे बगैर अपर बॉडी को डिस्टर्ब, यहाँ देखिए 16 टाइम आपको सीधा रखना, तो इस तरह से हमने देखा शायद डिजाइन, इस तरह से राइट देखा राइट शायद को हमने रेज कर रहे हैं, राइट 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 हाइट को हमने रेज कर रहे हैं, राइट हाइट को कर रहे हैं, यहाँ रख सकते हैं, आप हाथ को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये आपके यहाँ रख सकते, निर्णय का विषय है, यहाँ रख विकल्प है, ये आपके, तो आइए हम निर्णय का विषय है, आपका लेफ्ट लेग को अपने दोनों हम घुटने को यहाँ रख के करते हैं, लॉक रख लेफ्ट लेग को अपने दोनों जितना ऊपर ले जा सकते हैं, लॉक रखना टू जितना ऊपर ले जा सकते हैं, फोर टू इसे आप ब्रिथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इसे आप ब्रिथ से कनेक्ट करना चाहते हैं जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इनहेल की तो आप इस तरह से जब हम ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हम इस तरह प्राणायाम ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो हमें प्राणायाम का भी फायदा फायदा हो जाता है, सेवन एट सेवन नाइन एट टेन और यहाँ इलेवन टेन इसी को यहाँ इलेवन थर्टीन ट्वेल्व इसी को यहाँ फोर्टीन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ रख सकते हैं, ये आपके निर्णय का विषय है, यहाँ रख विकल्प है, ये आपके, तो आइए हम निर्णय का विषय है, आपका लेफ्ट लेग है, अपने दोनों हम घुटने को यहाँ रख के करते हैं, लॉक रख लेफ्ट लेग को अपने दोनों जितना ऊपर ले जा सकते हैं, लॉक रख
टू जितना ऊपर ले जा सकते हैं, 4 2 इसे आप ब्रिज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इसे आप ब्रिज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जब बाहर की ओर जा रहे हैं, इनहेल की तो आप एक्सहेल इस तरफ और अंदर की ओर आ रहे हैं तो इनहेल की इस तरफ शामिल कीजिए। बारी बारी से हमने राइट लेग रिच किया, उसमें शामिल कीजिए। बारी बारी से हमने 16 टाइम राइट लेग और किस 16 के लेफ्ट लेग किया, आप 3 टाइम 3 बार और किस 16 के 16 वेव को आप 3 से 3 बार बना सकते हैं, यानी कि 16 वेव को 3 से बना सकते हैं। डबल ऑफ आवर की ब्रिज खड़े हो जाएंगे, इसके लिए हम 2 फीट डबल ऑफ या उससे भी ज्यादा खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए तो अपने दोनों हाथ उससे भी ज्यादा आप खड़े हो जाइए, टर्न होना अपने दोनों हाथ यहाँ टर्न होइए और लेफ्ट हाथ टर्न होना यहाँ लेफ्ट टर्न होइए और ये हाथ ये इस तरह से जितना आप खींच सकते हैं ये यहाँ यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, ये आपको पैर भी टर्न करना है ताकि आप अपने लेग मसल को पैर भी टर्न करना है इन्वॉल्व करा ताकि आप अपने लेग मसल को भी इन्वॉल्व करा, ये ओवर हेड इस तरह से शिफ्ट कीजिए, ये इस तरह से शिफ्ट कीजिए, हाँ बीच में सीधा और फिर हम बीच में सीधा और फिर ये आप इसे सांसों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे सांसों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेस कीजिए, यहाँ लेफ्ट टर्न भैया और ये हाथ इतना लेफ्ट टर्न भैया और ये हाथ इस तरह जितना आप खींच सकते हैं, ये यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, यहाँ आपको पैर को भी मूवमेंट देना है, ये ओवर हेड रिच, ये ओवर हेड इस तरह से शिफ्ट रिच, ये इस तरह से शिफ्ट ओवर हेड रिच आप हमारे साथ कर रहे थे, ये ओवर हेड रिच आप हमारे साथ कर रहे थे, इन आउट करेंगे मित्रों। स्क्वाट की हमने बेसिक वर्सन कर चुका है हमारी सीरीज में, स्क्वाट की जिसमें मोर देन 20 टाइप का इन आउट करेंगे, आज हम स्क्वाट स्क्वाट की आउट बेसिक वर्सन इसमें हमें कर चुका है हमारी सीरीज में, स्क्वाट हमें डबल 20 टाइप का आज हमें हो जाना है आउट करके, तो में हमें क्या करना, हमारा ये स्क्वाटिंग पोजीशन हमें अपने डबल स्क्वाटिंग पर और यहाँ खड़े हो जाना है, जब 2 फीट के दूरी पर हाथ हमारा ये स्क्वाटिंग पोजीशन, जब हम जैसे तो स्क्वाटिंग को यहाँ जब खड़े होते हैं जंप कर तो पैर को चुगे हाथ ये हमारा यही तरह से बने रहे, जब हम झुकते हैं तो स्क्वाटिंग पोजीशन और जब खड़े होते हैं तो पैर को बाहर जाता है, ये हमारा स्टार्टिंग इन पोजिशन करते और ये आउट, ये स्क्वाट इन, ये इन पोजीशन है और ये आउट इस तरह से आप रिदमिक कीजिए मित्रों, आउट आउट में आपको ये देखना है ये 90 डिग्री पर रहे, आप रिदमिक कीजिए मित्रों, आगे की ओर नहीं होना बॉडी भी आगे की ओर नहीं, आउट में आपको ये देखना है ये 90 डिग्री पर रहे और ये आगे की ओर नहीं होना बॉडी भी आगे की ओर नहीं झुकना, बॉडी इस तरह से जैसा हम कुर्सी पर बैठे
इन आउट किस तरह से हम अपने इन हाई मसल पर काम कर रहे हैं, इन बहुत ही डायनामिक है, किस तरह से हम अपने इस तरह से हाई मसल पर काम कर रहे हैं, और यहाँ डायनामिक है जंप करना, और हाथ इस तरह से यहीं पर आपकी बनी है। जब हम झूलते हैं तो स्क्वाटिंग को यहाँ जब खड़े होते हैं जंप करना, तो पैर को कीजिए, हाथ ये हमारा यही तरह से बनी रहे। जब हम झूलते हैं तो स्क्वाटिंग पोजिशन, और जब खड़े होते हैं तो पैर को बाहर, तो ये हमारा स्टार्टिंग ये इन पोजिशन स्टार्टिंग, और ये आउट ये स्क्वाट इन, ये इन पोजिशन है, और ये आउट ये जैसा कुर्सी पकड़े इन आउट इन, इस तरह से जैसा कुर्सी पकड़े इन इन आउट आउट, किस तरह से हम अपने इन हाई मसल पर काम कर रहे हैं, इन बहुत ही डायनामिक है, किस तरह से हम अपने इस तरह से हाई मसल पर काम कर रहे हैं, हार्ट को बहुत ही डायनामिक कर सकते हैं। आप नियमित कीजिए फायदा पाए, अपने हार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप नियमित कीजिए फायदा पाए। जैक करने जा रहे हैं मित्रों, हमारे पीछे की वीडियो में आप जंपिंग जैक देखा, और स्कूल में भी हमने बेसिक जंपिंग करने जा रहे हैं मित्रों, हमारे पीछे की वीडियो में करते हैं जंप, आप जंपिंग जैक देखा, और स्कूल में भी हमने और क्लैपिंग करते हैं जंपिंग के साथ। आइए लेफ्ट साइड का वेरिएंट है स्टेप जैक, इसमें हम साइड वाइज स्टेप लेंगे, बड़ा ही आसान है, इसे हाथ को भी ऊपर करेंगे। आइए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, डायनामिक बना सकते हैं, और इसे ये जंप बड़ा ही आसान है, इसे नॉर्मल आइए डायनामिक बना सकते हैं, और इसे जंप करके भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल आइए इसमें, ये फिर एक ही पैर को ऐसे करना, और वापस ये न्यूट्रल पोजिशन यहाँ आ जाना, इसमें ये एक ही पैर को चाहे ऐसे करना, चाहे तो बड़े वापस ये न्यूट्रल पोजिशन यहाँ आ जाना, ये और तेजी से भी कर सकते हैं, इससे हमारे तो बड़े आसानी अपर बॉडी पर काम हो रहे, और स्पाइन से भी कर सकते हैं, एक खिंचाव में हमारे और अपर बॉडी पर काम स्पाइन भी हम काम कर रहे हैं, अगर आप जंपिंग जैक नहीं कर सकते, और इसके साथ वन बाय वन हमारे आम स्टेप जैक को पर भी हम काम कर रहे हैं, अगर आप जंपिंग जैक नहीं कर सकते तो वन बाय वन इस स्टेप जैक को यहाँ जाना, स्टेप जैक अब चाहे बड़े आसानी आसानी यहाँ जा सकते हैं, ये और स्टेप जैक इससे हमारे बड़े आसानी से अपर बॉडी पर काम हो रहे, और इस टाइम में कर सकते हैं, खिंचाव में हमारे अपर बॉडी पर काम हो रहा, इस टाइम भी हम काम कर रहे हैं, खिंचाव में जैक नहीं कर सकते, इसके साथ वन बाई वन हमारे आम स्टेप जैक को पर भी हम काम कर रहे हैं, जरूर अपनाइए, अगर आप जंपिंग जैक और खेप नहीं कर सकते जंपिंग जैक के वन बाई वन आधा लाओ स्टेप जैक को आप हम भी तो बन नहीं सकते, जरूर अपनाइए, और खेप जंपिंग जैक के लगभग आधा लाओ के लाभान्वित तो बन नहीं सकते। देखने जा रहे हैं मित्रों, हम सबको मालूम है किसे विजय नहीं पसंद, हम सब आज विजय की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा विजय, हम सबको मालूम है किसे विजय नहीं इस कट के लिए, हमेशा लगभग हम सब आज 2 फीट विजय वाला हम शरीर के द्वारा विजय ग्रेजुएशन करते हैं, इसके लिए रिकॉर्ड स्कॉट के लिए हमें लगभग 2 फीट और डबल ऑफ पावर हिप, यहाँ देखिए खड़े हो जाएंगे स्कॉट, यहाँ
स्क्वाट राइट स्क्वाट पोजिशन है और यहाँ स्क्वाट ये यहाँ देखिए ये स्क्वाट राइट क्या स्क्वाट अब हम फिर से स्क्वाट में जाएंगे यहाँ स्क्वाट ये और ये जो पैर रहेगा क्या वही हाथ अब हम फिर से स्क्वाट में जाएंगे अब लेफ्ट को ये जो पैर रहेगा वही हाथ लिया फिर से आप हाथों को खुला भी रख सकते हैं हाँ यहाँ पूरा खींचिए बिल्कुल डायगोनल आप हाथों को खुला भी रख सकते हैं यहाँ हमारे पूरा खींचिए दूसरे हाथ को डायगोनल रख सकते हैं ये स्क्वाट ये विक्ट्री पोजीशन दूसरे हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं ये स्क्वाट ये विक्ट्री पोजीशन ये पूरे शरीर को खींच दी ये जो हाथ जाएंगे ये वही पैर पूरे शरीर को खींच दी तो इस तरह से जो हाथ के दौरान वही पैर तो इस तरह से विक्ट्री स्क्वाट के दौरान दौरान तुम अपने वही पैर थाई मसल और इस तरह से अपर आर्म विक्ट्री स्क्वाट के दौरान स्पाइन को भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप कह सकते थाई मसल लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन और स्पाइन के साइड बर्न भी होंगे तो आप कह सकते और बिल्कुल सही पोस्चर अपर लेना दोनों का यही कॉम्बिनेशन तो आपके साइड बर्न भी होंगे और बिल्कुल सही पोस्चर मिलेगा अपर बॉडी का एक्सरसाइज है मित्रों जिसमें मुख्यतः हम स्पाइन पर टॉर्सो पर ध्यान देते हैं इसके साथ साथ हाथों को भी टारगेट करते हैं तो अपर बॉडी का एक्सरसाइज है मित्रों दो फीट से भी जिसमें मुख्यतः हम स्पाइन पर अपने टॉर्सो पर ध्यान देते हैं इसके साथ साथ दोनों हाथ हाथों को टारगेट करते हैं ग्राउंड वाले और अपर पार्ट को थोड़ा जी दूरी बेंड की या दो फॉरवर्ड अपने सुविधा सेम समय में लेकर जाइए राइट को दोनों हाथ यहाँ तक लाइए पैरेलल टू द यहाँ ग्राउंड कीजिए फिर और अपर पार्ट पर जाइए बेंड यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड लाइए और सेम समय में राइट को यहाँ बना रहेगा यहाँ और इसे ब्रेथिंग से भी ऊपर जाइए जब हम पैरेलल ग्राउंड लाइए आउट करेंगे फिर और जब ऊपर उठ रहे हैं बना रहेगा तब आप भरपूर फायदा उठाएंगे बगैर के भी लंबे समय तक जब हम छोड़ रहे हैं कैलोरी ब्रीद करा रहे हैं और जब उठ रहे हैं तब नहीं बना ब्रीद इन तो आइए हम तब भरपूर फायदा उठाएंगे मिल बगैर के अपर लंबे समय तक यहाँ रहते हुए अपने हम कैलोरी को बर्न करा सकते हैं आगे की ओर बेंड हाइट को कम नहीं बना तो आइए हम फिर से करते हैं विंड मिल जो कि लेफ्ट अपर बॉडी के लिए है यहाँ रखते हुए बने रहेंगे उतना भी शुरू करेंगे फिर आगे की ओर बेंड सीधा और राइट फिर आर्म को बेंड यहाँ एल्बो पर इसे लेफ्ट एल्बो पर डायनामिक भी बना लीजिए कुछ देर तक बने रहेंगे ये देखिए फिर डायनामिक सीधा फिर कीजिए जब ब्रीथ आउट यहाँ ब्रीथ आउट इसे और ये भी बना लीजिए मित्रों तीन देखिए कर सकते हैं इस समय के प्रैक्टिस के बाद ही अब तक कोशिश करना यहाँ से 90 डिग्री कर सकते हैं ये और टाइम प्रैक्टिस के आ रहे हैं पहले अब तक कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से 90 डिग्री बेंड टॉर्सो और ये करते ऑल द टाइम जो रेस्टिंग पोजीशन में है करते हुए
ग्राउंड हो, आउट दोनों साथ साथ मूवमेंट होगी, आउट ब्रीथ आउट करते हुए आउट आउट, तो इस तरह से हमारी सराव है और आपके आउट मसल मजबूत कर रहा बेली फैट बर्न कर आपके डिजायर स्टेप जो इस तरह से विंडमिल पोस्चर जारी सरल है रैक्टिव पोस्चर और आपके ये यह प्रदान कर मसल विंडमिल का मजबूत कर रहा से नियमित बेली फैट को बर्न करके आपके डिजायर स्टेप जो चाहते हैं जो पोस्चर चाहते हैं अट्रैक्टिव पोस्चर ये यह प्रदान करेगा तो विंडमिल का अवश्य नियमित अभ्यास कीजिए। मित्रों प्रेयर पुशेस अपने अपर बॉडी को पुशेस पुश करना है थोड़ा सा खींचना है जैसे हम जबरदस्ती काम कराते हैं पुश करना है थोड़ा अपर पार्ट को मित्रों और इसके प्रेयर पुशेस अपने अपर बॉडी पे काम करना है तो पर पुश करना है थोड़ा सा खींचना है जैसे हम जबरदस्ती काम कराते हैं पुश कर रहे थोड़ा अपर इसकी शादी को रेज कर रहे हैं इसे ही हम फास्ट कर रहे हैं तो आइए आप हमारे साथ फास्ट कीजिए सांस स्टार्टिंग प्रेयर का प्रेयर पोजिशन में है वापस सांस को और ये लेता यहाँ इसे ही हम फास्ट करने जा रहे हैं आइए आप हमारे साथ फास्ट कीजिए स्टार्टिंग होता हुआ प्रेयर बॉडी प्रेयर पोजिशन में है प्राणायाम में यहाँ लेता हुआ यहाँ फिर से वापस पीछे जब आप प्रेयर पोज में आते हैं दोनों पर ध्यान देना है ये दोनों अंगूठा को छोड़ता हुआ हमारे अंगूठा जो कि बॉडी द्वारा कंठ होल्ड हो रहा सीधे में सांस को लेता हुआ और ये दोनों आर्म से प्रेयर पोज में आते हैं दोनों पर ध्यान देना है ये दोनों अंगूठा तब हमें हमारे आध्यात्मिक लाभ भी हम अपने आत्मा को होना चाहिए प्रणाम कर ये दोनों आर्म्स जो ये यहाँ चेस्ट को सपोर्ट करते आना चाहिए तब हमें प्रेयर पुश आध्यात्मिक लाभ भी इसके मिलते हैं ये हम अपने आत्मा को प्रणाम करते बोलते हैं प्रेयर से आप ब्रीदिंग से यहाँ देखिए स्टार्टिंग ये इस तरह से आप ब्रीदिंग आपसे अगर टोपर रेज नहीं हो पा रहे देखिए तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन भी देख लीजिए ये है और ये से अपर बॉडी अगर टोपर रेज नहीं हो पा रहे कर लीजिए तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन भी देख लीजिए ये है इसका और ये वर्जन अपर बॉडी आम यहाँ पर बंद कर लीजिए और ये और फिर नीचे इसी का एडवांस आप इसका धीरे धीरे हाइड फर्सन ये प्रेयर पुशेस का ये हो यहाँ पर ब्रीदिंग से भी सिंक्रोनाइज कीजिए अगर कर पा रहे हैं तो इसी का एडवांस आप यह है प्रेशर धीरे धीरे कीजिए प्रेयर ये पुशेस प्रेशर ये हो प्रेयर पुशेस कीजिए और से भी सिंक्रोनाइज कीजिए इसमें हम कर पा रहे हैं खुल रहे हैं शोल्डर सॉकेट पर यह है प्रेशर इसके साथ प्रेयर मार्क को भी शामिल है सर प्रेयर पुशेस कीजिए बन और अपर पर इसमें हमारा हिप चेस्ट खुल गए सबका लाभ आपको मिलेगा पर हम काम प्रेयर पुशेस के साथ देंगे नियमित मार्क को भी शामिल कर रहे हैं आध्यात्मिक भी बन रहे हैं इस पर को आभार भी प्रकट कर रहे हैं सबका लाभ आपको मिलेगा प्रेयर पुशेस से जा रहे हैं तो यह एडवांस कैटेगरी का है अगर आप स्क्वाट में बिल्कुल पारंगत हो गए हैं तब आप इसके लिए हम 2 फीट के दूरी में आ गए एडवांस कैटेगरी का है अगर आप स्क्वाट में बिल्कुल पारंगत हो गए हैं तब आप बड़ा इसके लिए हम इसलिए आपको देखना है दूरी में जब आप किक मार रहे हैं हाँ तो आपके स्कर्ट आ गए और स्ट्रेट हो जाने ये स्क्वाट बड़ा ही है किक हार्ड है इसमें आपको देखना है जब आप किक मार रहे हैं तो आपके पार्ट एंड नी स्ट्रेट हो जाने आप कर सकते हैं बड़ा ही है हार्ड है आपके प्रयास जांग पर भी और पार्ट नी को दोनों को एक्टिवेट कर रहा है पार्ट पार्ट के तो फायदे हो ही रहे हैं पार्ट साथ साथ कि आपके कोर मसल कर सकते हैं हो रहे हैं
स्क्वाट एंड जांघ पर भी, और इसके साथ आपके शरीर में बैलेंस भी कर रहा है। स्क्वाट के तो फायदे हो ही रहे हैं, ये है हमारे साथ साथ, और आपके किक कोर मसल भी ये स्क्वाट यूज हो रहे हैं। स्क्वाट एंड स्क्वाट किक, इसके साथ ही आपके शरीर में बैलेंस है। इस बैलेंस को देखना है कि जब आप किक मार रहे हैं तो आपके ये है हमारे और नी स्ट्रेट हो जाने का। ये स्क्वाट बड़ा ही है, किक हार्ड है, बड़ा एडवांस है। इसमें आपको देखना है कि जब आप किक मार रहे हैं तो आपके नी स्ट्रेट हो जाने का, बड़ा ही है, हार्ड है। साथ साथ आपके कोर मसल भी इंगेज हो रहे हैं। स्क्वाट एंड किक, इसके साथ ही आपके शरीर में बैलेंस भी आ रहे हैं। ये है हमारे साथ साथ आपके स्क्वाट एंड कोर मसल भी बड़ा इंगेज हो रहे हैं, हार्ड है। स्क्वाट एंड एडवांस कैटेगरी का है स्क्वाट, इसके साथ ही आपके शरीर में बैलेंस भी आ रहे हैं। यह है हमारे स्क्वाट एंड किक, बड़ा ही हार्ड है। रफाइंस का टेक्निक का है स्क्वाट स्लो बर्पी, कभी अगर आप बर्पी नहीं कर पा रहे हैं तो आइए आपको हम बताते हैं आप स्लो बर्पी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मित्रों, बर्पी यह एक्सरसाइज के निचोड़ है, सूर्य नमस्कार की तरह है, इसमें कई शामिल होते हैं। तो आइए हम सीधा स्लो बर्पी करते हैं। हमारा स्लो बर्पी, अगर आप बर्पी नहीं कर पा रहे हो तो आइए आपको हम बताते हैं आप स्लो बर्पी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मित्रों, बर्पी यह एक्सरसाइज के निचोड़ है, सूर्य नमस्कार की तरह है, इसमें कई इवेंट शामिल होते हैं। तो आइए हम सीधा स्लो बर्पी करते हैं। इसमें यह हमारा स्थिति यहाँ हम आप आ जाइए करेंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे कीजिए कीजिए, और यहाँ और ये बेंड हो जाइए, ये और एक पैर को यह एक सेट हो गया। इसी तरह से हम ये करते हैं पोजीशन में एट करें, आप आगे ऊपर ठीक है मित्रों। ये सूर्य नमस्कार से मिलता जुलता है, और यहाँ स्ट्रेच ये बेंड फॉरवर्ड हो गया। यह समय लेफ्ट लेग सेट किए थे, राइट लेग पर इसी तरह से हम ये करते हैं एट पर स्लो स्लो बर्प को पीछे लेके है मित्रों। प्लैंक को सूर्य नमस्कार से ही मिलता जुलता है ये स्ट्रेच, यहाँ आपको ध्यान देना है फॉरवर्ड, ये तीनों उंगलियां टोज और दोनों समय लेफ्ट लेग को किए थे, राइट लेग पर आगे वापस, और ये हाथ धीरे धीरे यहाँ स्लो को पीछे लेके एक प्लैंक पोजिशन में एक बार मैंने सेट किया, एक बार करके यहाँ आपको ध्यान देना है ये तीनों उंगलियां टोज और दोनों हाथों की उंगलियां यहाँ आनी चाहिए, तो अगर आप ये धीरे धीरे तौर पर इसे लेना चाहते हैं तो बर्फी को यह जरूर सा ले जाइए हमारे साथ कीजिए। एक बार मैंने एक बार इसे किया स्टार्टिंग टोज, ये स्लो बर्फ कीजिए, ये हमारे ट्रेन करते हैं मेल करता हुआ करता हुआ। तो अगर आप वार्मिंग अप एंड तौर पर इसे लेना चाहते हैं तो वर्पी को जरूर शामिल कीजिए हमारे साथ कीजिए। ये राइट सेट से अंतिम बार, तो इधर स्टार्टिंग पोज स्ट्रेच कीजिए, फिर से आगे को लेते ब्रीथिंग इनहेल करता हुआ, यहाँ एक्सहेल करता हुआ, फिर डाउन बेंड, फिर से ऊपर फॉरवर्ड बेंड, एक्सहेल करते हुए राइट, यहाँ तो इधर फिर से लेफ्ट और फिर से ये आगे, और ये हमारा स्लो बर्पी, यहाँ स्लो बर्पी, फिर डाउन को इंगेज करता, लोअर पार्ट से ऊपर अपर पार्ट को करना, फॉरवर्ड बेंड पूर्ण बॉडी को करने वाला यह डायनामिक एक्सरसाइज है। फिर से लेफ्ट ये और ये हमारा स्लो बर्पी है, अपने ब्लेम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, पता लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हुए हमारे शोल्डर स्टिफ
को हटाने के लिए मसाज कर रहे हैं, अपने आर्म शोल्डर सॉकेट को, अपने आर्म से एक्टिवेट करना। आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहते हैं, ब्लडिंग हो जाता है, तो हम अपने शोल्डर को ब्लेम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, पता लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हुए हमारे शोल्डर ये स्टिफ हो जाते हैं। इनको हटाने के लिए हम आगे कर रहे हैं आर्म शोल्डर अपर बॉडी लोअर बॉडी बिल्कुल और ये फॉरवर्ड आर्म फॉरवर्ड फॉरवर्ड आर्म जंगल बैकवर्ड इधर बारी बारी से पैडल की तरह मित्रों अपर बॉडी लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आम सर्कल समझ लीजिए अभी हम अपने ये फॉरवर्ड आर्म शोल्डर पर काम कर रहे हैं जस्ट फॉरवर्ड आर्म कर रहे हैं सर्कल बाकी तो पीछे को बैकवर्ड कर सकते हैं अकड़न जकड़न आ जाते हैं मित्रों ये कंधे में हाथ में हाथ ऊपर एल्बो में फाइनल आपका आम सर्कल कहाँ है बाकी पूरा बॉडी सर्कल बिल्कुल आम सर्कल का ये आम वर्तन है मित्रों शोल्डर पर काम कर रहे हैं हाथ को फॉरवर्ड पर भी काम कर रहे हैं हाथ को बैक बाकी को पीछे ये आगे वाले और आ रहा है अकड़न जकड़न आ जाते हैं मित्रों कंधे में हाथ में टफ होगा एल्बो में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका आपका संज्ञा जहाँ है इसमें और ज्यादा फायदा है इसमें और ज्यादा संज्ञा काम कर सकते हैं मित्रों फायदा मिल रहा है हाथ को फॉरवर्ड और दूसरे हाथ को भी कर राइट अभी आगे की ओर जा रहा था ये आगे की ओर आ रहा है जाएगा और ये पीछे की ओर जाएगा ये आगे की ओर आएगा थोड़ा सा टफ होगा आम थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसमें और ज्यादा फायदा है बढ़ रहे हैं हमारे कंसंट्रेशन का कीजिए अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए अपनी और इसी का रिवर्स राइट अभी आगे की ओर जा रहा है ट्राइसेप राइट पीछे की ओर जाएगा और लोअर बॉडी लेफ्ट बिल्कुल आगे फिक्स रखिए बहुत बहुत धन्यवाद आम सर्कल इससे आपके कंसंट्रेशन भी बढ़ रहे हैं आम सर्कल आप कीजिए अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाइए अपनी ट्राइसेप ट्राइसेप को स्टिफ कीजिए और लोअर बॉडी को बिल्कुल फिक्स रखिए बहुत बहुत धन्यवाद।